इस गरिमामय समारोह में उपस्थित परम सद्य भगवान सिंह जी, परम सद्य लक्ष्मण सिंह जी, श्रीमान गजेंद्र सिंह, श्रीमान शक्ति सिंह, श्रीमान लक्षराज सिंह जी, श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, गुजरात से आए हुए प्रदीप सिंह जी, सन्माननीय मंच और आप सब संशयक बहन और भाइयों, प्रेस के भाइयों, बाड़मेर राम देरिया गांव में ये महामानव का जन्म हुआ। अभी आपने जीवनी के बारे में बहुत अच्छा बढ़िया प्रेजेंटेशन देखा और पढ़ा भी। बड़े होकर के अपने दिल में एक जलन थी कि मेरे समाज के लिए मैं कुछ करूं। आरएसएस के संपर्क में आने के बाद क्षत्रिय योग की स्थापना की। अभी हमने देखा और पढ़ा कि कई पुस्तकें हैं, कई भाषण हैं, कई संशयकों को लिखे पत्र हैं। उनमें से मैंने आपके लिए दो चार शब्द निकाले हैं। मैं आऊंगा, मुझे जाना है हर गांव और नगर की हर कुटिया में, पर जहां वंदनवार है, स्वागत की मुस्कुराहट है, वहां पहले जाऊंगा और अवश्य जाऊंगा। बंजारा जो हूं मैं, एक एक शब्द में अपने समाज के लिए, मैं समाज को आराध्य मानता हूं और इसीलिए उस पर उपकार की भावना से नहीं, उसकी सेवा की भावना से आराधना करता हूं। वो मेरा उपास्य है, मेरे प्राणों की हलचल का स्वामी है। अपने आराध्य के प्रति जो भाव किसी श्रद्धालु में होता है, वही मेरे में है। अपनी प्रार्थना में कहा गया है, साधन की कमी है, कार्य कठिन है। उस समय साधन की कमी होगी संशयक भाइयों बहनों, इस समय हमारे पास साधन की कमी नहीं है। मतलब कि क्षत्रिय संघ की बात को लेकर के हमें गांव गांव घर घर जाना है। पूज्य तंसी जी ने यह भी कहा है, जो मेरे सिवा किसी की राह नहीं देखता, उसके पास मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। एक गांव में रहने वाला संशयक जो पूज्य तंसी जी की राह देखकर खड़ा है, बैठा है, सोया है, तंसी जी की ये भावना मित्रों हमारे जीवन में भी उपयोग में लेनी चाहिए। जो कुछ भीतर है वो बाहर है। अपने भीतर पवित्रता और महानता की अनुभूति ही मुझे हर साधक को भी पवित्र और महान देखने के लिए प्रेरित करती है। सारा सामाजिक आधार इसी बात पर आधारित है, हम किसी की के लिए काम आ सके, ऐसी उच्च भावना। पूज्य तंसी जी हमेशा कहा करते थे कि हमें किसी बात में नहीं आना है, हमें सिर्फ राष्ट्र भावना में ही आना है। देश को बांटना नहीं है, देश को एक करना है। इसीलिए तो हमारे सभी राजाओं ने अपनी विरासतों को देश के चरणों में, सरदार साहब के चरणों में रख दी है। माननीय प्रधानमंत्री
देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, हमें इसमें जुड़े हुए हैं और जुड़ना है, क्योंकि हमारे बिना देश अधूरा है। मैं एक बात आप सबके ध्यान में और भी लाना चाहता हूं। हमारे गुजरात के दो बुजुर्ग स्वयंसेवक हैं, प्रवीण सिंह जडेजा और बलवंत सिंह चुड़ासमा, आयु 94 वर्ष की है, 94 इयर्स ओल्ड। इन दोनों ने प्रण लिया, जब से ये तारीख तय हुई तो मेरी उम्र 94 साल की है, मैं 94 गांव में जाऊंगा। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि इन दोनों ने 94 नहीं 101 गांव में जाकर के प्रचार प्रसार किया कि चलो दिल्ली। मुझे शांति से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय संघ शक्ति, जय माता जी। आभार